देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पॉलीनोमियल चैप्टर के। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है 2.1 वो बहुत ही इजी है, उसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी दे रखा है। उसे सिर्फ आपको ये चीज़ समझ इन वाले क्वेश्चनों को करने से पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर कोई ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी, क्योंकि हमेशा जो आपको याद रख लेना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला ही बनता है। तो जब भी कोई पैराबोला बनता है तो वो जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटता है, जैसे ये 1, 2, 3, तो इसके कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी लाइन ने कट नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि इसमें जीरो नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, देयर इज जीरो नंबर, जीरो, या यू कैन ऐसे लिख देते हैं जीरोस, ठीक है ना, जीरो, इतने जीरोज हैं आपके। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे काट रहा था, हमेशा एक्स एक्सिस देखना, वाई एक्सिस को भूल जाओ, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखो और उसको काउंट कर लो। यहाँ पे एक बार काट रहा है तो 1 0, इसमें वैसे ES लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड वाले में 1 2 3, तो तीन जगह पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद 4, 5 और 6, 6 ही पार्ट्स हैं इसके। 4 नंबर पे कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ 2 बार। इसके बाद 5th में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 6th में 1 2 3, 3 टाइम कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई ऐसा पॉलीनोमियल का एक ग्राफ है जिसमें कि कुछ इस तरीके से कट कर रखा होता है तो सीधे सीधे पहचान लेते हैं, लेकिन मान लो अगर ऐसे कट कर रखा हो, देखो ऐसे अगर काट रखा है तो यहाँ पे टच तो कर रखा है, तो मतलब यहाँ पे 1 0 है, इसीलिए देखो थर्ड वाले में ना, ये जो 6th वाला है इसमें बहुत लोगों को डाउट आएगा कि ये कट तो पूरी तरीके से नहीं कर रहा, बस टच कर रहा है, तो इसको हम 0 माने कि ना माने, तो इसे हम 0 मानते हैं। लेकिन अब मान लो कि कोई ऐसा ग्राफ बना है और उसमें सीधे ऊपर ऐसे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई कट नहीं कर रहा, छू भी नहीं रहा है, तो ये कोई 0 नहीं होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज़, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होती है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है देन यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और एक जो 9th का बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा सीधा सा टॉपिक है, जो आप छोटे क्लासेस में भी करके आए हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, वाला मेथड, जैसे कि आप जीरोज निकालते हो तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसका पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8, तो क्या करें, 8 को पहले फैक्टराइज करें, 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 के फॉर्म में जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, -2 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे -8 चाहिए मल्टीप्लाई में और -2 होना चाहिए। तो इन दैट केस अगर हम -4 + 2 करते हैं तो -2 आएगा, और अगर -4 × 2 करते हैं तो -8 आएगा, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इसे लिख देना है -4x + 2x - 8, कॉमन ले लेते हैं x -4 + 2x - 4, नाउ x + 2
x माइनस फोर, एक जीरो हो गया माइनस टू, एक जीरो हो गया फोर. अब इसमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या करें सीधे सीधे इसमें देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए. अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहाँ मान लेते हैं माइनस टू, बीटा यहाँ पे फोर है प्लस फोर, कितना आएगा टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए. माइनस बी बाई ए देखो क्या है, माइनस यहाँ पे टू, ये माइनस में था, माइनस इन माइनस माइनस टू, तो हो गया प्रूफ. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. दिस क्वेश्चन सेम एज इट इज, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है. अब आप सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है. 4s, 4s स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी है. अगर आपको s में थोड़ी कंफ्यूजन आती है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि जो है क्या कहते हैं, हमने s को x मान लिया इस तरह करके, वैसे उस तरह करने की जरूरत नहीं है, मत ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. ऐसे ही सॉल्व करो. अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4, 4 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू टू, बीच में क्या चाहिए माइनस फोर, तो क्या हम इन दोनों साइड पे माइनस लगा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फोर आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन आ जाएगा, फोर आ जाएगा. बिल्कुल सही. तो माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन, यहाँ पे क्या करेंगे, टू एस, टू एस माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, टू एस माइनस वन, सो टू एस माइनस वन एंड 2s माइनस वन इक्वल आ गए, है ना. ओके इक्वल आ गए हैं, सो वी विल डू 1 अपॉन 2 इज योर अल्फा एंड बीटा, बोथ आर 1 अपॉन 2. अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं. अच्छा हाँ, इसमें अल्फा इंटू बीटा भी आपको इसमें दिखा देना है. देखो c बाई ए इसी तरीके से सेम एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा, सो माइनस एट आएगा, और अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस एट ही आ रहा है, सो एक दूसरे के इक्वल हो गया, एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे, माइनस बी बाई ए होगा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, दैट विल बी कट एंड 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, 2 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1. अब अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बहुत ईजी है, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, सो इट विल बी 1/4, ओके. और अल्फा इंटू बीटा ये होता है तो 1/4, तो मतलब ये 1/4 की इक्वल आ गया, ठीक है. इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख के आना. ओके नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्चुअली द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखो नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एंड दैट विल बी 6 3 18 एंड 18 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 9 3 into 3, सो द फैक्टराइजेशन इज 2 into 3 into 3. नाउ यू हैव 7 हियर, सो हाउ विल यू फाइंड द 7 हियर, सो 9 - 2 इज इक्वल टू 7 बट यू हैव गॉटन माइनस 7, तो आप इसकी जगह पे यहाँ प्लस लिख दो या माइनस लिख दो जिससे कि माइनस साइन आ जाए, ठीक है. तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. नाउ आप जब इसे कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आएगा, 3x, 2x माइनस 3 एंड हियर इज 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 एंड दैट विल बी 2x माइनस 3 एंड 3x plus 1 and 1 0 is 3/2 and the other 0 is minus 1/3 and when we are supposed to do the verification, so in that case hum kya lenge, alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta, so inko jab aap multiply karo, inko jab aap add karoge to what will we find here, 2 hai, ठीक है. 3/2 माइनस 1/3, ओके.
नाउ यहाँ पे 2 है, इसे क्या करेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये इधर 3 3 9 माइनस 2, यहाँ पे माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस प्लस 7/6, सो इट इज प्लस 7/6, यहाँ पे भी 7/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/6 एंड हेंस प्रूफ। नाउ अल्फा इंटू बीटा भी फटाक से प्रूफ कर देते हैं, सी बाई ए हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस 1/2, सो माइनस 1/2 आना चाहिए। अब देख लेते हैं इनको ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 6, ऊपर आता है 3 एंड दैट विल बी योर माइनस 1/6, सॉरी 1/2, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, पॉलीनोमियल चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यू विल आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो।